सरकार को हटाकर जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आई, 10 साल से ये पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई देखने वाला नहीं। और पहले बोलते थे पिछले सरकारों में लटकता झटकता पटकता, पेपर रहता था, फाइल रहता था। अरे भाई, अब क्या हुआ इसका? बोलते तो है, काम नहीं करते, सिर्फ भाषण देना। और भाषण देते देते हमने इतने झूठ बोले, शायद ही कोई पॉलिटिकल नेता अब तक उतना नहीं बोला। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पिछले 5-10 सालों में यहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, कई चीजों की किल्लत कमी है, इसके बावजूद भी ये लोग काम नहीं कर रहे, इधर देख रहे नहीं। कभी तो एक बार आना, वो भी टाइट, जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं, शायद एक बटालियन लोग उनके पीछे रहते हैं और कहते हैं ये शाह ने आया, लाल चौक पे झंडा लगाया। अरे तेरे जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग झंडा लगाए, ये देश हमारा है और इस देश में पहले ही झंडा फहराया और संविधान हम लोगों ने बनाया और उसमें सबको बराबरी का हक दिया। आज आप उसको तोड़ रहे हो, उसको खराब कर रहे हो। इसीलिए मैं कहूंगा हिंदुस्तान के इतिहास में आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि यूनियन टेरिटरी स्टेट बना है। अब गोवा का लो यूनियन टेरिटरी थी, वो स्टेट बन गई, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर यह स्टेट हुड था, लेकिन उसको यूनियन टेरिटरी किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? ये है मोदी और शाह की गवर्नमेंट, इसीलिए उसको यहां पनपने नहीं देना, उसको आने नहीं देना, उसको उखाड़ के फेंक दो। और एनसीपी और कांग्रेस ये मिलके हमारे काम करेंगे, सरकार हमारी आएगी, जो वायदे हम कर रहे हैं उसको हम निभाएंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। और इस स्टेटहुड के लिए तो यहां पर हम ये वायदा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम मिलके इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। तो ये हमारा वायदा है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यहां पर अगर एनसी और कांग्रेस में हुकूमत आने के बाद अपर हाउस एंड लोअर हाउस ये भी कायम होगा और वो भी हम करके दिखाएंगे। अगर कोई कहता है वो कैसा करेंगे, भाई हम तो सेंटर में, हमारी गवर्नमेंट है, इन्हों क्या करेंगे? अरे ऐसा ही करेंगे, जनता जब हमारे साथ है आप कुछ नहीं करेंगे, जनता करती है। इसीलिए मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि यहां पर इस गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो चल रही है एलजी गवर्नमेंट, यहां पर भ्रष्टाचार होगा, यहां पर
खनन, शराब, इसके सभी ऐसे खराब चीजें यहाँ पर आज चल रहे हैं, इसको सब हम बंद करेंगे। और ये लोग धमकाने की कोशिश करते हैं और धमकी देकर लोगों को डराते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और उनको ये बार बार अगर आप बताएंगे तो ये अच्छा नहीं। मैं उन्हीं के एक आदमी का काम बताऊंगा। यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, यहाँ पर मालूम होगा, उन्होंने कहा बीमार होने और तीन चार दिनों से अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद मैंने जिन लोगों पर सैकड़ों करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उनकी जांच करने के बजाय सरकारी एजेंसियों की तानाशाही आदेश के तहत मेरे घर पे छापे मारे, ये एक गवर्नर कहता है जो गवर्नर उनके ही जमाने में यहां पर था। आप सोचिए कितने चोर, कितने भ्रष्टाचार यहां था, और कितने उनके सेक्रेटरीज, काम करने वाले लोग यहां पैसा कमा के गए, भ्रष्टाचार के फाइल रख के गए। उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए अगर एक पूर्व गवर्नर कोशिश करता है तो उसी के घर पे छापे गिरते हैं। और इन्हों तो चोरों को छोड़ देते हैं, जो असल बात बोलते हैं उन्हीं को पकड़ लेते हैं। हमारे पास एक कहावत है कि चोर से चोर, ऊपर से क्या है, सीना चोरी। यह ऐसा है, खुद को तो, खुद के लोग तो चोर है ही है, और दूसरों को ये बोलते हैं जोर से ताना सीन का अपना छाती ये करके कि हम सब यहां पर करप्शन बंद करने के लिए आए हैं। भाइयों, मैं आपसे यही करने वाला हूं कि ये लोग सीबीआई, ईडी, सीबीसी ऐसे चीजों का इस्तेमाल करके सबको डरा डरा के हमारे कार्यकर्ताओं को घर में बिठा रहे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और उधर मणिपुर से लेकर गुजरात तक सभी कार्यकर्ताओं को डराना, फिर भी गठबंधन वाले लोग डरे नहीं। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मोदी की संपूर्ण गवर्नमेंट नहीं है, फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसकी एक टांग तो टूट गई है, वो टांग टीडीपी और हमारे नीतीश कुमार एक हाथ दिया, टीडीपी ने एक टांग दिया, उसके बल पे वो चल रहे। तो ये ऐसे लोग हैं, फिर भी मेरी सरकार मजबूत है। देखो, पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार, 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है, डरने वाले नहीं है। यहां से लेकर वहां तक सब कोई डरने वाला नहीं है। किसी भी मुसीबत में वो जम्मू कश्मीर को बचाएंगे, हम उनके साथ है, मेरी पार्टी उनके साथ है, राहुल जी उनके साथ है, मैडम सोनिया गांधी जी भी उनके साथ है। तो इसलिए हम एक होके काम करना है और सब लोग एक होकर लड़ना है, एक दूसरे के
खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। हम लोग जीतना है, लड़ना है, लड़ते वक्त कोई बुरी बात नहीं होना चाहिए।